सांसद आदर्श कूटग्राम का दर्जा प्राप्त कुल्हाड़ी घाट गांव की तस्वीर और यहां के ग्रामीणों की तकदीर अब जल्द ही बदलने वाली है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बदलाव के लिए कार्य शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल और जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद खास दिलचस्पी ले रहे हैं। सरकार से निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गांव में अपनी आमद बढ़ा दी है। बता दें कि कुल्हाड़ी घाट गांव पूर्व पीएम राजीव गांधी के गोद लिया हुआ गांव है। वहीं कलेक्टर श्याम धावड़े का दावा है कि वे अपनी देखरेख में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करवा रहे हैं। गांव में हो रहे विकास कार्यों पर सरपंच बन सिंह सोरी ने भी संतुष्टि जाहिर की है। नरगा भुरा गोठान चल रहा है, चारागाह भी चल रहा है और राजीव गांधी मूर्ति का काम भी चल रहा है। अभी किसानों के लिए समतलीकरण वगैरह चल रहा था। अभी योजनाएं हैं उनका हम लोग बेहतर इम्प्लीमेंट होकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहां पर अभी जैसे मनरेगा का पर्याप्त काम स्वीकृत किए हैं, सभी लोगों को वनाधिकार पट्टा जितने पात्र परिवार है सब दे दिए हैं। जितना हमारा स्वच्छ भारत अभियान का है, पेयजल का है, स्वास्थ्य विभाग का है, खाद्य विभाग का है, मतलब सभी कामों में बेहतर इम्प्लीमेंट होकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं भी गया था। बात करते हैं।